भरतपुर प्रशासन की ओर से निजी अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर भरतपुर सांसद रंजीता कोहली दिल्ली पहुंची। दिल्ली में सांसद कोहली ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। केंद्र मंत्री को पत्र सौंपकर सांसद ने निष्पक्ष रूप से निजी अस्पताल और प्रशासन के गठजोड़ की जांच कराने की मांग की है। सांसद ने 7 अन्य बिंदुओं पर जांच की मांग करते हुए केंद्र मंत्री को पत्र सौंपा। वहीं सांसद ने बताया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, इसलिए अब केंद्र सरकार द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। आज मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मुलाकात की भरतपुर जिले की मांग को लेकर के, क्योंकि पीएम केयर फंड से 40 वेंटिलेटर मिले थे, उनमें से निजी हॉस्पिटल जिंदल को दिए जाते हैं और किस आधार पर दिए गए प्रशासन द्वारा उसकी जांच के लिए मैंने आज बात करी। क्योंकि जिस तरीके से पूरे राजस्थान में कोरोना को लेकर के कांग्रेस सरकार फेल हो चुकी है, ना ही जनता को बेड मिल रहा है और ना ही दवाई मिल रही है, ऊपर से प्राइवेट हॉस्पिटल ने लूट मचा रखी है, वो मचा रखी है प्रशासन के साथ मिलकर, और केंद्र सरकार मदद कर रही है, उसको मदद को जनता तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। और माने मंत्री साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पर कमेटी बैठा आएंगे और पूरी जांच करेंगे।